मुझे एक मौका नहीं दोगी? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? बोलो राबिया, जवाब दो, क्या हम हमेशा इसी तरह तड़पते रहेंगे? नहीं। थैंक यू राबिया, मैं जानता था कि हम दोनों की मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है। तो अब तुम ही बता दो हम उन्हें क्या जवाब दें। आप उन्हें कह दें कि मैं शादी नहीं करना चाहता। शट अप! तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत की हैसियत है या नहीं? राशिद, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैंने कभी अपने बच्चों पर जोर जबरदस्ती नहीं की और ना करना चाहता, मगर ये अरहम, ये तो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर हो चुका है रिफत। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है रिफत, क्या करूं इस लड़के का मैं? राशिद, हमने अरहम की हर बात पूरी की है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर नाजायज और जायज बात पूरी करें। आपको अपने फैसले पर साबित कदमी से खड़ा रहना होगा। अरहम हमारा बेटा है, हम जो भी कुछ करेंगे उसके भले के लिए करेंगे। आप फिक्र मत करें, अरहम की शादी मनाहिल से ही होगी और वो भी एक महीने के अंदर। भीम, क्या सोच रही हैं? ये वाला दुपट्टा देखें, इसकी शर्ट बहुत अच्छी है ना? अच्छा भीम, ये वाला देखें, ये ज्यादा ओल्ड फैशन तो नहीं लग रहा ना? नहीं, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा ये कलर। ये कलर है ही इतना प्यारा। अच्छा, ये दुपट्टा मैं आपको पहनाकर देखती हूँ कि आप दुल्हन बनकर कैसी लगेंगी। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, और जब आप इसकी शर्ट पहनेंगी ना तब तो आप और भी ज्यादा अच्छी लगेंगी। लेकिन ये वाला कलर ना आप सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे पता है। कहीं और तसल्ली से जाके बात करें। बैठो। से राबिया को दूर करना ही होगा। ऐसा क्या किया जाए जिससे राबिया खुद ही अरहम से दूर चली जाए? प्लीज राबिया, तुम तो मेरी हालत समझ सकती हो। अरहम हमेशा मैं ही समझती हूँ। देखो राबिया, मैं कौन सा रोज रोज ऐसे हालात का सामना करता हूँ जो मुझे पता हो। राबिया, तुम तो जानती हो ना कि मैं मजबूर था, इसीलिए मनाही से शादी का फैसला कर लिया। वो तो राबिया, ओके लेट मी एक्सप्लेन। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक खला पैदा हो गई है। हाँ, मैं जिद में था। मनाहिल से शादी का फैसला भी मैंने जिद में किया था ताकि वो मंजर मैं भूल जाऊं। उस मंजर को भूलने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दे दी। राबिया, मैंने अगर मनाहिल से शादी कर ली तो ना मैं कभी खुश रह पाऊंगा ना वो। मैंने तो मनाहिल को कभी उस नजर से देखा ही नहीं है।
कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये सब कहना। सॉरी बोल दिया और सब खत्म। ऐसा नहीं है राबिया। अरहाम ऐसा ही है, तुम तो सब कुछ भूल गए हो, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती कैसे भूल जाऊं? कैसे भूलूं कि जिस इंसान को मैंने इतना टूट के चाहा, वो उसी ने मुझ पे भरोसा नहीं किया। अगर एक बार मौत हो तो इंसान को फिर भी तसल्ली हो जाती है, लेकिन ऐसे पल पल मरना, तुम इस गम के बारे में सोच भी नहीं सकते हो अरहाम। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि अब मैं तुमसे शादी करूं, तो मेरी दो शर्तें। पहली, मुझे वो शख्स चाहिए जिसने मुझे बदनाम करने की साजिश की। और दूसरी शर्त, जैसे इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हुई, उतने ही लोगों के सामने मुझे बेगुनाह भी करार दिया जाए। मनाहिल, राहत, ए राहत, राहत। अरे 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 अरे, क्या हो गया है आपको? घर में दाखिल होते ही चीखना शुरू कर देते। अभी पानी ला रही हूँ। पानी की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। क्या हो गया, ये क्या उठा के ले आए? देखो तो सही जरा। या मेरे खुदाया, खूबसूरत जेवरात। हाँ तो तुम क्या समझ रही थी, मैं अपनी बेटी को बगैर जेवर के भेजूंगा यहाँ से? अच्छा, ये मनाइल के लिए? अभी बुलाती हूँ मनाइल को। मनाइल, मनाइल जल्दी से इधर आओ। अरे वाह, पहली दफा कोई समझदारी का काम किया है आप। अच्छा हाँ, मतलब बहुत अच्छे जेवर लाए, बहुत अच्छे। आओ मनाइल, मनाइल देखो तुम्हारे अबू तुम्हारे कितने खूबसूरत जेवर लाए। आओ आओ इधर बैठो, शाबाश। लगा के तो देखूं कि कैसे लग रहे हैं जेवर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे इसमें टीका भी था, टीका कहाँ गया? ये देखो, अपने अबू को दिखा। अल्लाह ने तुम्हारा नसीब अच्छा करे, इस सोने की तरह तुम्हें चमकाए। हेलो, लगता है कि आजकल आप बहुत सुकून में हैं। जी मैं समझी नहीं। आपको मुझसे बात करके सुकून मिलता था, अब आप कॉल ही नहीं करती तो आई एम श्योर सुकून में ही होंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जरा बिजी थी। अच्छा, कहाँ बिजी थी आप? आपके ख्यालों में। अरे छोड़ें जी, मेरे ऐसे नसीब का। क्यों, आपको मुझ पर यकीन नहीं? यकीन ना होता तो कॉल क्यों करता? बताएं क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, बोर हो रही थी। ये तो बहुत ही संगीन मसला है जी। अगर इतना ही संगीन मसला है तो इसका हल भी बता दें। इसका हल ये है कि आपको मुझसे मिलना होगा। जी, आपकी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? हाँ वो नहीं, असल में मैं नहीं मिल सकती। क्यों, आप पर्दा करती हैं? नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे शर्म वरम कैसी मैडम, एक ना एक दिन तो पर्दा उठना ही है। फिर क्या करेंगी आप? अरे
राबिया बेटा जरा यहाँ आओ। जी। ये तुमने ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है, तबीयत खराब है क्या? नहीं अम्मी बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ अरहाम से क्या बात? वही जो होनी थी। खुल के बताओ ना राबिया, बेटा तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर तुम्हारा ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुझे तो लगा था कि अरहाम से बात करके तुम खुश हो जाओगी। खुश तो मैं तब होंगी जब अरहाम मेरी कही शर्तें पूरी करेगा। राबिया तुमने ऐसा क्यों किया है बेटा, इस तरह तो अरहाम और दूर हो जाएगा तुमसे। हाँ तो हो जाए, मुझे क्या, मैं कोई शोकेस में पड़ी गुड़िया नहीं हूँ जो खोखली बातों से खुश हो जाए। और अगर अरहाम वो शर्तें ना पूरी कर पाया तो फिर मैं उससे शादी नहीं करूँगी। बेटा ऐसा मत करो, देखो जो हुआ है उसे भूल जाओ, अरहाम को और तकलीफ में मत डालो। उसको तकलीफ में ना डालो, और मेरी तकलीफ का क्या, उसका हिसाब कौन देगा? अब मैं किसी खोखले वादे पे कोई भरोसा नहीं करूंगी। अगर अरहाम मेरी कही शर्तें पूरी कर सकता है तो मुझसे शादी करे, वरना मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अच्छा बाजी कितनी छुट्टी करूं? देखो जब तक मैं फोन ना करूं तब तक तुम आराम से रहो, मैं तुम्हें बताऊंगी। ये रख लो अपनी तनख्वाह। बाजी ये तो बहुत ज्यादा है। रख लो तुम्हारे काम आए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह खुश रखे आपको। अपने गांव कब से नहीं गई तुम? पता नहीं बाजी, बहुत साल हो गए। ऐसा करो तुम अपने गाँव चले जाओ, आराम से रहो, सबसे मिलो जुलो, जितना दिल चाहे वहाँ रह लो, जब मैं बुलाऊं तभी आना, उससे पहले नहीं। ठीक है, चलो खुदा हाफिज़। मनाइल बहुत अच्छा खाना बनाए, दाल में तो बहुत टेस्ट है। अम्मी कभी कभार तो ताजी रोटी बना दिया करें। अच्छा मैडम ताजी रोटी खाएंगी, किचन का रास्ता पता है तुम्हें, जो ताजी रोटियां चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या हुआ? शायद सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं खैरियत नहीं है, राशिद भाई अस्पताल में है, हार्ट अटैक हो गया उनको। या अल्लाह, लेकिन ये सब कैसे हो गया? मेरा ख्याल है अभी जाना पड़ेगा। हाँ चलते हैं बेटा, हम लोग जा रहे हैं, और हो सकता है मैं सुबह हो जाए वहीं पे, तुम लोग दरवाजा बंद कर देना और ख्याल से रहना और दुआ जरूर करना। अच्छा चलो भी ना, आ जाओ। हाँ चल रही हूँ। बेटा दुआ करती रहना और दरवाजा बंद कर दो, ख्याल से रहना। जान सबर करें, मामू जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इस मुश्किल वक्त में हम सबको मिलकर सामना करना है। चुप रहो तुम, सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ। राशिद तो उसी दिन से अपसेट है जब हमारे घर में इतना बड़ा वाकया पेश आया था। मगर रिफत मुमानी राबिया तो। चुप रहो बस। अम्मी अम्मी
अम्मी कहाँ है आप? आगे तो मैं खाना लगवाऊं परवीन से कह के। छोड़े खाना वाना, इधर बैठे, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बोलो। मेरा दुबई का वीजा आ गया है। हाँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। अम्मी एक काम है आपसे। हाँ हाँ, एक ही दफा में बोल दो ना पाहा, जो भी बोलना है। अम्मी देखिए, दुबई के जो अखराजात हैं वो तो मैं सारे बर्दाश्त कर लूंगा, आप टिकट कर सकती है मेरा? क्या हुआ अम्मी? परेशान कर दिया तुमने मुझे फहद। मेरे पास तो घर के खर्चे के पैसे नहीं होते, मैं टिकट के पैसे कहाँ से करूंगी? अम्मी एक बात, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से सिर्फ एक आध महीने के लिए उधार लेने, मैं वापस कर दूंगा। मैंने सारी जिंदगी उनसे उधार नहीं मांगा पा, अब किस पर उसे मांगूंगी? आप कहाँ जा रही हैं? वो अयादत के लिए जा रही हो ना राशिद भाई की अस्पताल। फताफा हौसला करें, अल्लाह ताला बहुत रहीम है करीम है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपको हौसला करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आप हिम्मत हार देंगे तो इन बच्चों को कौन सहारा देगा? हौसला ही तो नहीं रहा। डॉक्टर ने कुछ बताया बेटा? अच्छा खैर, हिम्मत रखो, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। पेशेंट की हालत काफी बेहतर है, कोशिश कीजिएगा कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और उन्हें कोई सदमा भी ना हो। आप ही, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ही डरो नहीं ईशा, ये फजूल बातें अपने जहन से निकाल दो, अंकल को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ना जाने क्यों आप ही, जब भी कोई खुशी आती है तब कोई ना कोई मुसीबत भी आ जाती है। देखो ईशा, खुशी और गम दोनों जिंदगी का हिस्सा है, तुम बस दुआ करो। इस वक्त सबसे जरूरी है कि अंकल ठीक हो जाए, और तुम डरो नहीं। आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए सूप बना के लाती हूँ। मामू जान। हाँ बेटा। अम्मी आई है आपसे मिलने। हाँ बुलाओ। मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ, आराम कीजिए। राशिद भाई आप कैसे हैं? हाँ बेहतर है, अल्लाह ने कुछ और ही सोच रखा होगा। नहीं नहीं राशिद भाई, ऐसा नहीं सोचते, हमारी तो अल्लाह से दुआ है कि आप जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं। इंशाल्लाह। घर में सब कैसे हैं? जी बस आपकी दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। इफ्तिखार आए थे आपको देखने के लिए, पर अचानक कोई काम पड़ गया तो उन्हें जाना पड़ा, इसलिए अंदर नहीं आ सके। हाँ काम पहले, उन मामलात में तो इंसान मुदाखलत नहीं कर सकता, घर भी देखना है, दफ्तर भी देखना है। बेहतर सोच रखा होगा उसने। तुम सब अपने अब्बू की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हो, अल्लाह के फजल व करम से पहले से तो बेहतर है, लेकिन हम अभी कोई रिस्क नहीं ले सकती। उनके सामने कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन्हें परेशानी या तकलीफ हो, समझ गए ना? ख्याल रखना।
जी, हम सब ख्याल रखेंगे। तुम्हारी शादी वही होगी जिसके लिए तुम बने हो। हाँ, और हम तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी अल्लाह की रजा से हो रही है।